हेलो गाइस, आप सभी का फिर से भगत सिंह फिटनेस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्पीड हाइट कैप्सूल के बारे में। अगर आपने भी कभी टेबलेट लेने का सोचा है हाइट बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपने भी इसका नाम सुना होगा, स्पीड हाइट कैप्सूल के बारे में। तो दोस्तों, क्या इससे हाइट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कौन सी एज में लेना चाहिए और कितने समय तक हम इसको लेंगे तो हमारी हाइट बढ़ जाएंगी, कैप्सूल लेने से ही हाइट बढ़ेंगी या हमें वर्कआउट भी करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और काफ़ी लोगों ने इसका यूट्यूब पे वीडियो बना रखे, लेकिन उन्होंने सब बेनिफिट्स बता रखे कि इतने फ़ायदे आपको इससे होंगे, लेकिन किसी ने नुकसान नहीं बताया और किसी ने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इसके फ़ायदे बनाए। दोस्तों, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, मेरे को कंपनी कोई पैसा नहीं दे रही उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इसकी कोई मेरे को वेबसाइट नहीं मिली अभी तक, बाकी इसके आर्टिकल मेरे को मिले स्पीड हाइट कैप्सूल के वेबसाइट पे मेरे को कोई ना कोई आर्टिकल मिले हैं, बहुत सारे फिटनेस वालों ने आर्टिकल लिख रखे हैं। तो दोस्तों, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है क्या, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल उठता होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पीड हाइट कैप्सूल के बारे में। कई कई आपने भी यूट्यूब पर देखा होगा कि 15 दिन में हाइट बढ़ाए, 1 मिनट में हाइट बढ़ाए, तो इसके चारे बिल्कुल ना लगे। अगर आप वर्कआउट सही नहीं करते, सही डाइट नहीं लेते हैं, तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि हाइट बढ़ाने के लिए आपकी काफ़ी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका रहन सहन पर डिपेंड करती हाइट, आपके सोने के तरीके पर भी हाइट डिपेंड करती है, आपके फैमिली पर भी डिपेंड करती है, आपके फादर मदर की हाइट पर भी डिपेंड करती है, और आपका एक्सरसाइज करने का तरीका, वर्कआउट करने का तरीका, खाने का तरीका, डाइट प्लान, इन सब पर डिपेंड करती है हाइट इंक्रीज़ करना। क्योंकि हाइट बढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है हाइट इंक्रीज़ करने के लिए। अब स्पीड हाइट कैप्सूल से क्या हाइट बढ़ती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन बटन पर क्लिक करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो स्पीड हाइट कैप्सूल है ये अश्वगंधा है इसके अंदर, और ये हमारे स्टेमिना इंक्रीज़ करने में भी काफ़ी मदद करता है। इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये आपकी हाइट इंक्रीज़ करे, क्योंकि सभी के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। अगर आप कैप्सूल का यूज़ कर रहे हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होंगी, क्योंकि सभी के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं और कुछ चीज़ें होती है जो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप स्पीड हाइट कैप्सूल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ ही ले। अगर डॉक्टर एडवाइस दे कि हाँ ले सकते हो तो ही इसका यूज़ करना चाहिए। इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। इसको आप दूध के साथ ले सकते हैं, खाना खाने के बाद आप दूध में इसको डालकर या इसको लेकर दूध के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्पीड हाइट कैप्सूल ले रहे हैं और उसके साथ ही वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि अगर आप कैप्सूल ही ले रहे हैं और वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, और अगर आपने अच्छी डाइट नहीं ली, तो कहीं ना कहीं नुकसान है और आपकी हाइट भी इंक्रीज़ नहीं होंगी। क्योंकि ज़रूरी है कि आपको डाइट भी अच्छी ले और आप वर्कआउट भी करें। वर्कआउट के वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिससे आपकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है। और इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है या आपकी कोई और दवाई गोली चल रही है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका सेवन करना कैप्सूल का। दोस्तों, मेरे को सबसे अजीब बात यह लगी कि आपको इसके 6 महीने का और 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। मतलब कि आपको 6 महीने तक ये टेबलेट लेनी पड़ेगी या 3 महीने तक आपको कंटिन्यू टेबलेट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लेते हैं 3 महीने तक, अगर आपके हाइट इंक्रीज़ नहीं होती, अगर आपको साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो क्या करेंगे आप? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर टेबलेट लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। अगर ले रहे हैं तो सावधानी रखें। अगर आपके इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता बॉडी में, तो ज़रूर डॉक्टर से मिले और उनसे एडवाइस ले। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। अगर 6 महीने तक आपने टेबलेट ली और आपकी हाइट इंक्रीज़ नहीं हुई और कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर सोचिएगा। और वर्कआउट करना बहुत ही ज़रूरी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आपको हाइट इंक्रीज़ करनी। अगर आपको लगता है कि टेबलेट से मेरी हाइट इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। दोस्तों, स्पीड हाइट कैप्सूल का यूज़ 11 साल की एज से 20 साल तक युवा कर सकते हैं, ऐसा उस कंपनी का कहना है। अगर आपकी एज 20 से ऊपर है तो
कभी शायद ही आपकी हाइट बढ़े। आप कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपकी शायद ही हाइट बढ़ सकती है। लेकिन मेरा विचार है कि अगर आपकी 11 से आप 20 तक आप वर्कआउट करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, तो यूं ही आपकी हाइट बढ़ जाएंगी। कोई ज़रूरी नहीं इस कैप्सूल को लेना, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कैप्सूल को लेना तो आप इसको ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसलिए सावधानी से इस कैप्सूल का आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने सोच लिया स्पीड हाइट कैप्सूल के बारे में, तो आप इसको मार्केट में अपने आसपास मेडिकल से कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसका प्राइस का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये 350 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। क्योंकि इसका ऑनलाइन आप देखेंगे तो 1100 रुपये में मिलता है, और कभी इसका प्राइस ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, लेकिन इसका प्राइस का कोई फिक्स नहीं है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया स्पीड हाइट कैप्सूल के बारे में, किसका बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर स्पीड हाइट कैप्सूल के बारे में और देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट है bhagatsinghfitness.com, वहाँ पर जाकर आप इसके आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की आईडी दी है, जिस पर जाकर आप फॉलो करके DM करके कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।